ग्वालियर नगर निगम के वर्कशॉप में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सोमवार को उस समय हंगामा हो गया जब सभापति के निर्देश पर 5 सदस्यीय पार्षदों की टीम निगम के वर्कशॉप का निरीक्षण करने पहुंची। पार्षदों की टीम को अधिकांश स्टाफ वर्कशॉप से गायब मिला। हाजिरी रजिस्टर पर भी इक्का दुक्का लोगों के अलावा किसी के हस्ताक्षर नहीं थे। सभापति द्वारा गठित की गई टीम के एक पार्षद मोहित जाट ने बताया कि निगम के वर्कशॉप में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार जारी है। पेट्रोल डीजल की चोरी से लेकर यहां तैनात लोगों को घर बैठे ही निगम के खजाने से तनख्वाह दी जा रही है। अधिकांश स्टाफ वर्कशॉप से गायब रहता है। पार्षदों की टीम के महालेखाकार कार्यालय के नज़दीक बने निगम के वर्कशॉप में पहुंचने से वहां हड़कंप मच गया। आनन-फानन में कुछ अधिकारी भी वहां पहुंचे। पार्षदों का कहना है कि यहां किसी भी तरह का रिकॉर्ड कर्मचारियों द्वारा टीम को नहीं दिखाया गया, इसका मतलब यहां व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। गौरतलब है कि पिछले दिनों नगर निगम में हुए हंगामे के बाद वर्कशॉप की गतिविधियों पर सवालिया निशान उठे थे। इसके बाद सभापति ने 5 सदस्यीय जांच टीम का गठन किया था। इसमें 3 कांग्रेस के पार्षद शामिल हैं जबकि 2 भाजपा से जुड़े हुए हैं। खुद भाजपा के पार्षद मोहित जाट ने कर्मचारियों के रवैये पर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले को अब दबाया नहीं जा सकेगा। वह नियमित तौर पर निगम के इस वर्कशॉप की हर गतिविधि की जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट निगम के सदन में पेश करेंगे। इस दौरान मौके पर मौजूद वर्कशॉप अधिकारी श्रीकांत कांटे पार्षदों के सभी आरोपों पर मौन नजर आए। हमारे वरिष्ठ अधिकारी अभी मौजूद हैं, आप उनसे पूछिए। कोई गड़बड़ी नहीं है अभी हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं ऑफिस में, आप उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में। लेकिन ये नाराज क्यों हो रहे हैं पार्षद? दल के जो लोग हैं, जो जो सभापति के आदेश पे आए हैं, बोल रहे हैं आप लोग तो बहुत करप्शन कर रहे हैं। अभी हमारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद, आप उनसे पूछिए। आपका नाम क्या नाम है आपका? ये एक समिति बनी है नगर निगम से, परिषद से। परिषद में भ्रष्टाचार का एक कार्यशाला भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठा था, उसमें सभापति जी द्वारा एक समिति गठित की गई थी 5 सदस्यीय, इसका मुझे संयोजक बनाया गया था। 5-7 मेरे 4 सदस्य नियुक्त किए गए थे। उस सदस्यों की 2 बार मीटिंग हुई, बैठक हुई 3 बार, और हम लोगों ने परिषद जो कार्यशाला से जो डॉक्यूमेंट थे वो मांगे, वो आधे अधूरे और ऐसे पेश किए गए जो कोई मतलब के नहीं थे। तो हमने दोबारा उनको रिमाइंडर किया कि साहब हमको कागज वो उपलब्ध कराएं, वो फिर भी नहीं उपलब्ध कराए गए। फिर एक बार और रिमाइंडर दिया, तब भी नहीं कराए गए। तब तीसरी बार जाके हमने ये निश्चय किया समिति ने कि अब अपन कार्यशाला वहाँ चल के वहीं कार्यशाला और डिपो पे अपन देखते हैं। अपन अपनी मजबूरी है क्योंकि अपन को जनता का पैसा बचाना है, अपन को भ्रष्टाचार रोकना है। क्या पाया आप? यहाँ टोटल अनियमितता है, किसी कर्मचारी के बहुत सारे कर्मचारियों के अधिकारियों के हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत नहीं है, हाजिरी रजिस्टर भरी नहीं रहे हैं, उनकी सैलरी निकल रही है, किसी का रिकॉर्ड नहीं है, आउटसोर्स कर्मचारियों के ऑर्डर नहीं है यहाँ, लेकिन किसके आदेश से काम कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। कुछ कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र हो गया, उनका ट्रांसफ़र ऑर्डर नहीं है। किसी प्रकार की कोई जानकारी उपलब्ध कराने के लिए यहाँ संबंधित अधिकारी नहीं है। यहाँ एक सब इंजीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी है ही नहीं। जी, जो इंजीनियर हैं सब इंजीनियर, उनके भी हस्ताक्षर नहीं? नहीं, उनके तो हैं, सिर्फ कांटे साहब के साइन नहीं पाए गए। कांटे साहब कौन है? कांटे साहब अधीक्षण यंत्री है। अच्छा, वो भी लापरवाही है? वो भी लापरवाही है। तो उस पर क्या एक्शन फर्दर लेंगे? नहीं, एक्शन हम तो कुछ ले नहीं सकते। हम तो क्या है, संबंधित जो जांच समिति है, जो अपनी रिपोर्ट है वो परिषद को सबमिट करेंगे, जो परिषद में निर्णय होगा या अधिकारी निर्णय करेगी वो इनके ऊपर निर्णय करेगी। तो मतलब क्या लग रहा है, जनता के पैसे की? जनता के पैसे की बिल्कुल मजाक बना दिया है शहर में, जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और इसका मिसयूज हो रहा है। मनमानी चल रही है अधिकारी कर्मचारियों की। नगर निगम में आपको जानकारी मैं दूं, नगर निगम में हम लोगों की जांच समिति बनी थी, हर डिपार्टमेंट की जांच समिति बनाई गई। हम उसमें 5 पार्षद हैं, ये हमारी माता बहनें भी हमारे साथ हैं। 5 पार्षदों की समिति बनी थी, नागेंद्र जी हमारे उसमें अध्यक्ष, हम सब सदस्य हैं। सब चारों पाँचों को लगातार पार्षदों ने इनको सूचना दी, पहले डॉक्यूमेंट मांगे गए, वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हो पाए, कुछ हो पाए, कुछ आधी अधूरी जानकारी हम लोगों को दी गई। उसके बाद टैली करने के बाद इनसे बोला गया कि कब बैठना, कब, ये लोग हमारे पास नहीं आए। उसके बाद हमने सबने आपस में बातचीत करके, फिर हम नगर निगम वर्कशॉप में यहाँ पर आए और 15-20 दिन पहले इनको सूचना दी। सूचना देने के बाद भी अगर पार्षद आपको सूचना दे रहे हैं, सूचना देने के बाद डॉक्यूमेंट को अवेलेबल होना चाहिए। किस तरह के डॉक्यूमेंट नहीं थे, क्या गड़बड़ी मिली? भाई विनम्र कर्मचारियों के बाद सबसे पहले हमने पहला डॉक्यूमेंट हम सबने मिलकर विनम्र कर्मचारी का उठाया था, हाजिरी रजिस्टर में आप देखोगे कि उसमें बिल्कुल भी कोई भी भराव नहीं है, मतलब डेली प्रेजेंट ऑप्शन प्रेजेंट का रोल ही नहीं है, उसका मेंटेन ही नहीं है, वो मेंटेन नहीं है वो।
जब वो मेंटेन नहीं है फिर उनकी सैलरी कैसे निकल रही है? अगर उनके भाई कर्मचारी आके काम करता है, हर डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि जाके साइन सब होते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उसमें 3-4 कर्मचारी तो ऐसे हैं जिनकी सैलरी निकल रही है और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आगे क्या लेंगे? एक्शन लेंगे हम लोग, नोटिस देंगे इसके लिए, चाहे कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े वर्कशॉप के, कोई भी कितनी भी लड़ाई लड़नी पड़े हम लोग लड़ेंगे, और जब तक अनभिज्ञता को दूर नहीं कर लेंगे। कितना भ्रष्ट पार्षदों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है, ये जितने पार्षद हैं सबको बेवकूफ़, सारा अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, काम नहीं हो रहे बार्डो। बिल्कुल देखो, काम तो थोड़े बहुत चलते रहते हैं, विषय काम ये विषय दूसरा है। जो चीज़ हम पकड़ रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं आपके सामने गड़बड़ी, तो उसको मेंटेनेंस तो मांग रहे हैं, उसकी चीज़ तो दिखा तो दो आप। आप डॉक्यूमेंट दिखाते नहीं हो, चीज़ें दिखाते नहीं हो, कर्मचारी मौजूद नहीं, उनकी सैलरी निकली है बराबर, ये सब अनवित और क्या आई है सब।